पर यहाँ पे गंदगी बहुत है, देखो कूड़े का ढेर है यहाँ पे लगा रखा है। तो यहाँ का जो प्रशासन है ना, उसको इस चीज़ के बारे में थोड़ा समझना चाहिए कि भाई जो ऐसे लोग गंदगी फैलाते हैं ना यहाँ पे, उन पे कुछ कानून बनाया जाए ताकि घाट पे गंदगी ना हो। देखो कितना गंदा ही है, कपड़े लोगों ने आके यहाँ पे छोड़ देते हैं, चप्पल देखो चप्पलें पड़ी हैं, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे है। तो गंगा में तुम पाप धोने आते हो तो धो के फिर पाप करके चले जाते हो, तो ये चीज़ गलत है। गंगा में तुम लोग आते हो पाप धोने के लिए, फिर धोते धोते फिर पाप करके ही वापस चले जाते हो, तो ऐसा मत करो यार। कम से कम इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये नीचे जो बेल आइकन आ रहा है इसको प्रेस कीजिए। ये देखो यार कुछ इस तरह का सीन है, और ये लोग हम ही लोग होते हैं जो आते हैं यहाँ पे पाप धोने के लिए, ऐसे लोग चप्पल उप्पल। ये देखो कितना कूड़ा कचरा है यार, कौन नहाएगा यहाँ पे, मेरा तो मन नहीं करेगा नहाने का। ये देखो देख रहे हो ये सब कूड़ा, वो देखो वो देखो, ऐसे लोग आते हैं यहाँ पे नहाने के लिए और यहाँ पे गंदगी फैला के चले जाते हैं, तो ऐसे नदी में नहाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो भी स्नान करने आते हैं मोस्टली पापी लोग होते हैं, जो नास्तिक लोग होते हैं वही लोग आते हैं यहाँ पे, उन्हें डर रहता है कि हमारे पाप धुल जाएंगे यहाँ पे। भाई मैं तो आज तक कभी नहीं नहाया, आज पंडित जी के कहने पे नहाया मैं। अब ये देखो ये अंकल जी कपड़े धो रहे हैं यहाँ पे, ये देखो साबुन का पानी। अब ये लोग ऐसे करेंगे तो भाई गंगा जी को लोग नहाने धोने के लिए आते हैं, नहाने धोने मीन्स कि कपड़े धोने या साबुन, यहाँ पे साबुन बैन है पूरा। अगर साबुन से कोई नहाता हुआ पकड़ा गया ना सीधा 5,000 का चलान है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, कोई भी वीडियो देख रहा है ना, इस चीज़ का ध्यान रखो भाई। ये गंगा माँ है, हम लोग ही ये लोग हम अपने घर पे यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए भी और अपने घर में छिड़कते भी है इसको, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए यार। लोग आगे यहाँ पे देखो ये सारे कपड़े रख के चले आते, देखो ये देखो अंडरवियर, ये खाने पीने का सामान, क्या यार ये मजाक बना रखा क्या। यहाँ का जो प्रशासन है ना उसको मैं यहाँ पे हमारी भारत सरकार की तरफ से उनको बहुत पैसा जाता है कि गंगा को स्वच्छ रखें, और जब हर की पौड़ी में ये हाल है तो लगा लो कि गंगा का जो आउटर एरिया मतलब ऋषिकेश और हरिद्वार के बाद का उसका क्या हाल होगा आप सोच सकते हो। तो इसलिए मैं मेरा बस यही मोटिव था यहाँ पे वीडियो बनाने का। मैं तो आया था श्राद्ध करने के लिए, पर श्राद्ध करते करते मेरे को ये सारी चीज़ दिखी तो मैंने ये भी कवर कर ली। ये देखो खैर घाट के ऊपर कोई बात नहीं, पर घाट पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जो अंकल थे वो पीछे कपड़े धो रहे थे, उनको मैंने समझाया, उन्होंने अपनी गलती मानी और बोला बेटा मुझे भूल गया था। मैंने अंकल जी देखो हिंदुस्तान में नदियाँ तो बहुत है, पर जो गंगा माँ का स्थान है वो सब नदियों से ऊंचा है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि गंगा नदी को हम जितना साफ रखेंगे ना उतना बढ़िया रहेगा। यहाँ पे पापी लोग ज़्यादा आते हैं सारे, तो मेरा बस चले तो इस घाट को मैं साफ कर दूं, बट हम लोग ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अपनी नदियों को हम साफ रखें, अपने शहर को साफ रखें, हर जगह साफ सफाई हो तो हमको बैठने में भी अच्छा लगेगा, घूमने में भी अच्छा लगेगा। और वो देखो वो बेवकूफ़ कपड़े साफ कर रहा है, वहाँ पर कपड़े धो रहा है, उसको बोलता हूँ मैं कि साबुन तो नहीं लगा रहा तू। छोटू साबुन तो इस्तेमाल नहीं कर रहा तू, साबुन ये झाग कैसे आ रहा है इसमें, वो रखा साबुन देख वो क्या है, तो लेके क्यों आया, तो दुकान है तो क्या मतलब कि साबुन यूज करेगा, वो क्यों लेके आया फिर, वैसे लेके आ गया। तो भाई ये देखो ये बंदा यहाँ पे साबुन इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे लोगों के ऊपर ना कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये देखो भाई ये बोला कि लोकल हूँ मैं तो मैं यहाँ पे धो सकता हूँ, इस्तेमाल नहीं किया, लेके तो आया ना, लेके तो आया ना, इल्जाम की क्या बात है, प्रूफ है ना वो साबुन और ब्रश, तो वो प्रूफ है मैंने इस्तेमाल किया है अभी। भाई तो लेके क्यों आया फिर, अभी धोएगा ना, जब मैं चले आऊंगा तो धोएगा आराम से, ऐसे धो रहा हूँ मैं, तो साबुन क्यों लेके आया, मेरे को ये बात बता दे तू बस, तो वो
साबुन भेज दिया, लेके आया वो क्या धो तो ना रहा वो, ये तो ऐसे सुबह के। अच्छा तू मानता है होना सही नहीं है ना पे? अगर सुन, अगर साबुन से तू कपड़े धोएगा तो क्या होगा बता? नदी नदी गंदी होगी। हाँ तो इसलिए दूसरों को भी समझाया कर कि नदी में कपड़े धोने ही मना है। वैसे तो ये तो तू कपड़े धो रहा है ये भी मना है। तो फिलहाल वो भाई भाग चुका है यहाँ से। उसको मैंने बोला कि भाई कपड़े मत धो, उसने बोला कि साबुन इस्तेमाल नहीं करता। मतलब भाई बिल्कुल इस्तेमाल मरेगा। बट उसके जैसे यहाँ पे बहुत लोग हैं जो यहाँ पे नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं और साबुन यूज़ कर रहे हैं और कपड़े यहाँ ही छोड़ के चले जाते हैं। देखो कितनी गंदगी कर रखी है, वो शर्ट पड़ी देखो पानी में। अब यहाँ पे जो नहाएगा तो उसको अजीब सा फील नहीं होगा? ये देखो वाटर, ये किसी ने टॉवल छोड़ा हुआ है वहाँ पे, बैंगल्स है, चूड़ियाँ वूड़िया, पता नहीं क्या क्या बोतल, दुनिया भर की चीज़ें छोड़ रखी है यार। मतलब नाला बना दिया उसको, कूड़ा घर। गंगा जी के बारे में पता ही नहीं कि है क्या गंगा जी, बस इन लोगों के लिए कि इनको पता ही नहीं कि पाप होता क्या है। किसी की बुराई करना भी पाप होता है, वो पाप भी तो कई कैटेगरी के होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो गंगा मैया कहते रहते हैं, बट इनको गंगा मैया का महत्व नहीं पता कि गंगा मैया है क्या। ये सब कपड़े पड़े यहीं छोड़ के चले जाएंगे, ये आए लोग अपने पाप धोने के लिए, बट इनको पाप का मतलब नहीं पता क्या है पाप। इन्होंने तो जो भी मेरी वीडियो देखेगा या देख रहा होगा उससे मैं खाली यही एक अपील करना चाहता हूँ कि यार आप में से या आपकी फैमिली में से या आपके आसपास के जो भी आपके जानने वाले हैं वो अगर कभी हरिद्वार आते हैं या किसी भी तीर्थ स्थल में आते हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वहाँ पर जाके गंदगी ना करें। अपने साथ कुछ भी सामान लेके आते हैं अपने साथ वापस लेके आएँ या उसको डस्टबिन में फेंकें, ऐसे ना फेंकें। ये देखो कितने सारे यहाँ पे गंदगी करके हैं, तो ऐसे कार्य ना करें यार प्लीज़, क्योंकि ये गंगा है, गंगा माँ। वैसे तो आप लोग बोलते हैं कि गंगा माँ है, ये है फलाना है ढिंकाना, और फिर यहाँ आके गंदगी करते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी हरिद्वार का ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना,